सीबीआई कोर्ट पहुंचेंगे राम रहीम, साध्वी के यौन शोषण के आरोपों पर आएगा फैसला। कोर्ट ने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखे सरकार। बाबा राम रहीम ने वीडियो जारी कर समर्थकों से की शांति की अपील, कहा कानून का करें सम्मान। पंचकुला से भी पुलिस ने ज्यादातर समर्थकों को हटाया, एहतियातन स्कूल कॉलेज भी बंद। अमित शाह ने ली राज्यसभा सांसद की शपथ, राज्यसभा के सभापति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। और मुंबई में माहिम के पास लोकल ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, बडाला और अंधेरी के बीच ट्रैफिक बाधित। पंचकुला पेशी के लिए निकले डेरा प्रमुख, हेलीकॉप्टर से नहीं सड़क मार्ग से ही कोर्ट पहुंचे गुरमीत राम रहीम। सिरसा से पंचकुला करीब 250 किलोमीटर का है और बाबा राम रहीम दर्जनों गाड़ियां लेकर सड़क मार्ग से पहुंचे। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे ये फैसला आएगा, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट घोषित हुआ। धारा 144 लगे होने के बावजूद समर्थकों का जमावड़ा, 72 घंटों के लिए एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट सेवा रोकी गई। अगले 72 घंटे के लिए उत्तर रेलवे को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की तरफ आने वाली ट्रेनों को रोकने के निर्देश दिए गए, बस सर्विस को भी बंद करने का आदेश। सिरसा में खर्चा हुए डेरा सच्चा के समर्थकों को हटाने की कवायद तेज, लेकिन समर्थक हटने के लिए तैयार नहीं, कुछ समर्थक गाड़ियों के नीचे। हरियाणा पुलिस ने बीती रात लाउडस्पीकर लेकर समर्थकों को हटने के लिए कहा, लेकिन समर्थक तब से मत नहीं हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब और हरियाणा में 15,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, केंद्र ने राज्य में भेजी है। इस बिगड़े हालात में खुद गुरमीत राम रहीम ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की, वीडियो जारी करके समर्थकों को घर वापस लौटने की उनसे अपील की। फेसबुक पोस्ट के जरिए डेरा प्रमुख ने समर्थकों से अपील की शांति बनाए रखें, कानून का पालन करें। पुलिस बल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर कड़ी नजर रख रही है, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर फैसले से पहले पंजाब हरियाणा के लिए तकदीर चप्पे चप्पे पर है, सुरक्षा बलों की पैनी नजर। सभी स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तरों को बंद रखने के दिए गए आदेश, हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द। पेट्रोल पंप के मालिकों को किसी को भी केन या बोतल में खुला पेट्रोल डीजल न देने का निर्देश दिया गया, जानकारी के मुताबिक समर्थक पेट्रोल पंप पे हमला कर सकते हैं। हरियाणा के डीजीपी ने कहा पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार, शांतिपूर्ण तरीके से पेशी। बाबा के काफिले की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, डीजीपी ने कहा रास्ते में धीरे धीरे काफिले की गाड़ियां कम की जाएंगी। पंजाब के फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा समर्थकों के पेट्रोल डीजल और खाद और हथियार जमा करने की जानकारी, कल पानीपत में पुलिस की चेकिंग के दौरान गाड़ियों से हथियार बरामद किए गए। भक्तों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी, कुछ रोए तो कुछ बेहोश हुए, पुलिस के लिए ऐसे समर्थक से डर बने। बाबा पर उनकी ही एक अनुयायी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या, 26 साल के शाश्वत पांडे का शव बरामद, गला रेत कर की गई। हल्ले के साथ पंचकुला कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 9 बजे वो सिरसा के लिए, सिरसा से निकले थे पंचकुला के लिए, काफिले के साथ पुलिस की गाड़ियां भी जा रही हैं। माना जा रहा है कि कुछ देर में वो कोर्ट पहुंच सकते हैं। दोपहर के बाद यौन शोषण मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। सुबह 9 बजे बाबा राम रहीम अपने काफिले के साथ निकले थे सिरसा से पंचकुला के लिए।
1 बजे तक माना जा रहा था कि पंचकुला बाबा राम रहीम पहुंच जाएंगे, 2:30 बजे फैसला आना है, 4 घंटे की लगभग दूरी है सिरसा से पंचकुला की। और इस बीच पंचकुला कोर्ट के नजदीक पहुंच गए हैं बाबा राम रहीम, इस तरीके की खबर आई है। तो जो सफर है सिरसा से पंचकुला का वो पूरा हो चुका है, लगभग लगभग थोड़ी देर में कोर्ट पहुंच जाएंगे बाबा राम रहीम। खुद उन्होंने कल बताया था अपने समर्थकों को कि मामला उनसे जुड़ा है, वो खुद अदालत पहुंचेंगे, पेश होंगे। आज भी अपील की अपने समर्थकों से कि वो अपने अपने घर जाएं, बाबा राम रहीम खुद अदालत पहुंचकर अदालत के फैसले को सुनेंगे। तो खबर आ रही है कि अब से कुछ देर पहले बाबा राम रहीम का काफिला पंचकुला पहुंच गया है, कुछ देर में कोर्ट पहुंच सकते हैं। 2:30 बजे कोर्ट को फैसला सुनाना है। 2002 का यौन शोषण का मामला, 15 साल लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद 13 सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पंचकुला रवाना हो चुके हैं। आज फैसले का दिन है और उनके मुखिया ने सिरसा में 13 सच्चा सौदा के पूरा जो ये प्रांगण है सिरसा शहर है, कर्फ्यू का दिन है, कर्फ्यू लगा है, लेकिन जो डेरा है उसके भीतर की तस्वीर क्या है, हालात किस तरह के हैं, वो उसकी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। अनुयायियों की भीड़ है, बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल नजर नहीं आता। बाकायदा जो है लोग मौजूद हैं यहाँ और अनुयायी जो है उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई जगह प्रार्थना भी चल रही है और साथ ही साथ लाठी डंडे लेकर भी लोग यहाँ पर मौजूद है। ये मुख्य द्वार जो है वो है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे मुख्य द्वार है, वहाँ वहाँ पर भी जो लोग हैं वो खड़े हैं, अनुयायी उनके और बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नजर आ जाएंगे, लाठी डंडे भी हाथों में नजर आ जाएंगे। तो हालात जो प्रशासन है वो मैनेज करने की लगातार कोशिश कर रहा है, कर्फ्यू लगा है, नाकेबंदी है पूरे डेली के 4 ओर, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीर जो हालात हैं वो इतने आसान और इतने बेहतर नजर नहीं। तो ये सिरसा की तस्वीर है जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और तस्वीरों में लगातार आप देख रहे हैं कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लाठी डंडे भी हैं, दूसरी तरफ प्रार्थना। इधर हरियाणा पुलिस का कोर्ट प्रेशर से दूर ही रोक लिया जाए।